नंबर फोर हमारे पास कमेंट है वो है लाइनक्स गौरव वाईटी का। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हिलाने से हमारे फेस को नुकसान पहुंचता है? वो सिर्फ एक सोशल मीडिया लाइव है, वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, अपने आप को प्रेजेंस करने के लिए। और ट्रस्ट में ये जो गलती है मैं पहले ही कर चुका हूँ, जिसका जो खामियाबा है वो भुगतना पड़ा था। बट एक्चुअली उसमें काफी केमिकल होता है जो तुम्हारे एक दिन के अंदर ना तुम्हारे बालों की बैंड बजा के रख देगा। गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिगेस्ट हेयर स्टाइलिंग मिस्टेक्स के ऊपर, जिसको अगर तुम रेगुलरली करते रहोगे ना आगे भी चल के, मतलब 2024 में भी करोगे, तो भाई तुम्हें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल जॉनी सिंस बनने में। या फिर तुम अगर आज की वीडियो के बाद से इसको स्टॉप कर दोगे तो भाई तुम्हारी जो हेयर स्टाइलिंग है वो भी काफी अच्छी होने वाली है, और जो तुम्हारे हेयर की क्वालिटी है ना वो भी काफी अच्छी होने वाली है। तो कुछ ही 5 मिस्टेक्स बताने वाला जो कि बहुत बड़ी है, और जो कि नॉर्मल बेसिस पे और डेली डे जो बंदे ना वो गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हेयर स्टाइल अच्छे नहीं हो पाते या फिर उनकी हेयर की क्वालिटी ना वो काफी खराब है। तो इसको लास्ट देख देना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो रहे होते हैं तुम मिस कर जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा इस वीडियो में आने का। तो हम बिना किसी देरी के शो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, नॉट वॉशिंग योर हेयर आफ्टर वैक्स। बहुत सारे बंदे जैसे करते क्या है ना कि मान लो फंक्शन पार्टी वगैरह है और उस टाइम पे ना आज बंदे ना मतलब अपने हेयर को स्टाइल कर लिया, मतलब मस्त जेल वैक्स वगैरह लगा के पाउडर वगैरह लगा के बाल सेट कर रखे हैं, और फिर उस बात से जब बंदे वापस घर पे आते ना तो भाई बिना अपने हेयर को वॉश करे सो जाते हैं। और जस्ट ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है तुम्हारे बालों की क्वालिटी खराब होना या फिर तुम्हारा हेयर फॉल ना भर भर के होना। तो भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आज से स्टॉप कर दो, नहीं तो यार ये तुम्हारे हेयर को ना काफी डैमेज करता है। जब भी मान लो फंक्शन पार्टी वगैरह है तुम अपने हेयर को स्टाइल कर रहे हो, वैक्स जेल वगैरह लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो अपने बालों में, जब भी तुम घर पे आते हो ना तो भाई रात को सोने से पहले अपने हेयर को वॉश जरूर करना, नहीं तो कोई भी जो प्रोडक्ट वगैरह होता है वो केमिकल प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, उसमें केमिकल वगैरह रहता है, और जब तुम उसको ओवरनाइट अपने बालों में छोड़ दोगे तो भाई इससे तुम्हारा जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम वो काफी बढ़ जाएगी। तो ऐसी गलती वगैरह बिल्कुल मत करना, नॉर्मल बेसिस पे जो बंदे हैं वो गलती करते हैं, लेकिन तुम मत करना अगर तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो तो। नंबर सेकंड, हेयर स्टाइलिंग इन सैलून। बहुत सारे बंदों के पास ना हेयर ड्रायर वगैरह नहीं होता, जस्ट वो करते क्या है कि अपने हेयर को अच्छा बनाने के लिए मतलब स्टाइल करने के लिए वो सैलून में चले जाते हैं और वहां जाके बोलते हैं भाई हमारे हेयर को ना स्टाइल कर दो, मतलब खड़ा कर दो बालों को। और जस्ट यहाँ पर होता क्या ना, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ये वाली सैलून वालों की कि यार वो ना बिना हीट प्रोडक्ट लगाए तुम्हारे बालों में ना बहुत तगड़ी हीट वगैरह मारते हैं। तुमने हमेशा नोटिस करा होगा जब भी तुमने अपने बालों में ना ड्रायर वगैरह लगवाई होगी सैलून में, तो भाई वो ना बिल्कुल भी उससे पहले हीट प्रोटेक्टर वगैरह नहीं लगाते, और जब वो तुम्हारे बालों में ड्रायर मारते हैं हीट मारते हैं तो भाई वो ना काफी ज्यादा हीट करके मारते हैं, और तुम्हारी स्कैल्प होती है ना वो भी काफी जल रही होती है, मतलब काफी ऐसे दर्द सा होता है। तो जस्ट यार तुम्हारे हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है। तुम सोचते हो चलो भाई कोई बात नहीं एक ही दिन की तो बात है, लेकिन यार जस्ट एक दिन से ना तुम्हारे जो बालों की क्वालिटी ना बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और जो बाल है वो देखने लायक नहीं रहते, मतलब जब स्टाइल करेंगे तब तो अच्छा लगेगा लेकिन कुछ टाइम बाद ना वो काफी रफ से हो जाएंगे, झाड़ू जैसे लगेंगे। जब भी किसी भी सैलून में तुम अगर अपने हेयर स्टाइलिंग करवाने जा रहे हो, मेक श्योर उससे पहले पूछ लेना भाई ड्रायर से पहले ना हीट प्रोडक्ट जरूर मारना, नहीं तो तुम ड्रायर वगैरह यूज मत करना, नहीं तो भाई तुम जॉनी सिंस बन जाओगे। और जब तुम उसको एक बार ऐसा बोल दोगे ना भाई पहले हीट प्रोडक्ट लगाओ, तो भाई वो जो बंदा है ना सैलून वाला वो समझ जाएगा कि जो बंदा है वो नॉलेजेबल बंदा है और इससे पंगा नहीं लेंगे वापस बाद में, तो बार बार तुम्हारे बालों में हीट प्रोटेक्टर लगाएगा उसके बाद ही हेयर ड्रायर यूज करेगा। नंबर थर्ड, नेवर यूज चीप हेयर वैक्स। बहुत से बंदों की ना फैमिली अलाउ नहीं करती वैक्स जेल वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि उनको ना ये डर होता है कि इससे बाल खराब हो जाएंगे, और एक्चुअली होता भी ऐसा है क्योंकि जो बंदे होते हैं वो जस्ट क्या करते हैं कि मतलब जो सस्ते सस्ते हेयर वैक्स वगैरह जो आजकल मार्केट में मिल रहे हैं ना, जिसकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, जिसके मतलब कोई सेंस ही नहीं है, वो सारे सस्ते सस्ते लेके आ जाएंगे और वो यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में MG5 हेयर वैक्स हो गया, भाई ऐसे हेयर वैक्स वगैरह कभी यूज मत करना, क्योंकि ये ना बहुत सस्ते में और ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाते हैं, और इसे तुम्हें पता चल पा रहा होगी भाई ये कितना ज्यादा मतलब ऐसे चीप वगैरह होते हैं। अगर तुम ऐसे सस्ते हेयर वैक्स वगैरह लगाते हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसकी कोई ब्रांड वैल्यू अच्छी नहीं है, तो भाई ये ना तुम्हारे हेयर को डैमेज ही करेगी। मेक श्योर एक बार ना हेयर वैक्स में अच्छा इन्वेस्टमेंट करो, 500 तक के 400 तक के जो हेयर वैक्स है ना वो लेके आओ, ये 200-300 रुपए के 150 रुपए के 100 रुपए के हेयर वैक्स के चक्कर मत पड़ रहो, नहीं तो भाई तुम्हारे जो हेयर है वो काफी खराब होने वाले हैं। महंगे हेयर वैक्स वगैरह में ना हार्मफुल केमिकल वगैरह नहीं होते, और जितने भी जो सस्ते हेयर वैक्स वगैरह होते हैं ना इसमें भर भर के हार्मफुल केमिकल होते हैं, और जब भी तुम उसे छोटी सी क्वांटिटी लेते हो ना और जब तुम उसको अपने बालों में यूज करते हो तुम्हें लगता है भाई ये तो कितना अच्छा है, भाई ये तो मेरे महंगे वाले से भी कितना अच्छा है, बट एक्चुअली उसमें काफी केमिकल होता है जो तुम्हारे एक दिन के अंदर ना तुम्हारे बालों की बैंड बजा के रख देगा, और लॉन्ग टर्म में तो तुम्हारे बालों को क्या हाल करेगा वो तो भाई भगवान ही जानते हैं और मैं जानता हूँ, तो ऐसी गलती मत करना। नंबर फोर्थ, ओवर यूजिंग प्रोडक्ट फॉर ए लॉन्ग होल्ड। बहुत सारे बंदे ऐसे ये भी करते हैं ना कि यार लंबे टाइम तक ये अपने बालों को टिका के रखने के लिए, अपने बालों को स्टैंड रखने के लिए, ताकि हमारे जो बाल है ना वो 3-4 घंटे 4-5 घंटे के बाद भी खराब ना हो, इसके लिए वो करते क्या है कि भाई बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करते हैं, पहले प्री स्टाइलर लगा लिया, फिर जेल लगा लिया, फिर वैक्स लगा लिया, फिर पाउडर भी लगा लिया, फिर हेयर स्प्रे लगा लिया, मतलब हर चीज़ इतनी होती है ना सारी की सारी लपेट देते हैं। और जस्ट यार ये ना सिर्फ एक मिथ होता है कि यार इतने सारे प्रोडक्ट तुम लगा लोगे तो लंबे टाइम तक तुम्हारे जो बाल है वो हेयर स्टाइल रहेंगे, बट
ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम जितना ज्यादा प्रोडक्ट लगाओगे ना, जिससे भाई तुम्हारे बाल वो काफी हैवी हो जाएंगे और प्लस वो बिल्कुल भी स्टैंड नहीं रहने वाले, कुछ ही टाइम बाद ना वो काफी नीचे हो जाएंगे, वो फ्लैट हो जाएंगे, फिर तुम बोलोगे भाई मेरे जो हेयर स्टाइल है वो खराब हो जाते हैं, वो ज्यादा टाइम तक स्टाइल नहीं रह पाते। जस्ट तुम्हें करना क्या है कि यहाँ पर तुम्हें यूज करना है मूस क्रीम या फिर प्रीस्टाइल जो है ना वो तुम यूज कर सकते हो हेयर स्टाइल करने से पहले, जब तुम्हारे जो बाल है वो हल्के हल्के वेट रहते हैं। तो उसके बाद जस्ट तुम्हें यूज करना है हेयर ड्रायर और मूस क्रीम से जो नेचुरल वॉल्यूम है तुम्हारे बालों में आ जाएगा। और जस्ट हेयर ड्रायर यूज करने के बाद तुम्हें यूज करना है कोई भी जो तुम हेयर जेल वैक्स वगैरह यूज करते हो, कोई भी पाउडर वगैरह यूज करते हो वो तुम यूज कर सकते हो, दैट्स ऑल। बस तुम्हें यहाँ पर दो प्रोडक्ट यूज करना है, उससे ज्यादा तुम्हें यूज नहीं करना, और हेयर ड्रायर का यूज करना है, दैट्स ऑल। और जिसके बाद तुम नोटिस करोगे भाई 4-5 घंटे बाद भी ना हमारे जो बाल है वो काफी अच्छी तरह से स्टाइल है और काफी अच्छे लग रहे हैं। और ज्यादा प्रोडक्ट यूज करना एक ही बारे में वो काफी बड़ी बेवकूफी, और ज्यादा भर भर के केमिकल अपने बालों में डाल दोगे तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम वगैरह बढ़ जाएगी। नंबर 5th, यूजिंग प्रोडक्ट्स एट होम। मतलब बंदे ना ऐसे घर पे बैठे रहते तब भी वो प्रोडक्ट वगैरह यूज करते हैं। एक्चुअली आजकल हो गया ना कि हम इंस्टाग्राम वगैरह पे ना बहुत सारे मॉडल्स को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, कि जब भी तुम उनको इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हो ना भाई उनकी जो हेयर की क्वालिटी ना ऐसे हेयर है वो काफी स्टाइल रहते हैं, और तुम्हें लगता है ना कि देख के भाई ये जो बंदा ना हेयर स्टाइल हमेशा रहते हैं, मतलब ये डेली हेयर स्टाइल करता होगा, डेली जब ये घर पे रहता होगा ना तब भी हेयर ड्रायर हेयर वैक्स वगैरह यूज करता होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक सोशल मीडिया लाइफ है, वो सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए अपने आप को प्रेजेंस करने के लिए वो सब यूज करते हैं। जब भी उनको सूट वगैरह पे जाना होता है या फिर जब उनको सोशल मीडिया पे आना होता है तभी वो अपने बालों में प्रोडक्ट यूज करते हैं, अदरवाइज वो घर पे यूज नहीं करते। घर पे तो भाई वो भूत बने रहते हैं, मतलब बाल बिखरे रहते हैं ऐसे ही, कोई भी स्टाइलिंग वगैरह नहीं करते। और जिस पब्लिक उनको देख देख के जब वो घर पे बैठे हैं तब भी हेयर स्टाइल करके बैठे हैं, भाई ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। मेक श्योर जो हेयर ड्रायर वगैरह जो होते हैं या फिर जो हेयर प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो सिर्फ तुम वीक में 1-2 बार यूज कर सकते हो, जब भी तुम कहीं से बाहर वगैरह जा रहे हो उस टाइम भी यूज कर सकते हो। बाकी तुम भाई अगर घर पे बैठ के यूज कर रहे हो, मतलब बिना किसी बात के तुम ड्रायर मार रहे हो हेयर प्रोडक्ट वगैरह यूज कर रहे हो, भाई इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं होगी, ऐसी गलती मत करना। और ट्रस्ट में ये जो गलती है मैं पहले ही कर चुका हूँ, जिसका जो खामियाबा है मुझे भुगतना पड़ा था, और बट आज से मैंने कंट्रोल कर लिया। और जो जब मेरे को वीडियोज वगैरह बनाने होते हैं ना तभी मेरे जो बाल वो स्टाइल दिखते हैं, अदरवाइज मैं घर पे ना भूत बना रहता हूँ और बिखरे रहते हैं बाल। तो मेक श्योर तुम भी ऐसा करना, बिना बात की हेयर स्टाइलिंग वगैरह मत करना, नहीं तो तुम बहुत पहले गंजे हो जाओगे, और जैसे माँ बाप कहते ना कोई शादी भी नहीं करेगा देर से, जैसे वो सीन हो जाएगा। तो ये थी कुछ ऐसी मिस्टेक जिसको तुम डेली बेसिस पे करते हो, और बहुत से बंदे ना भाई इसको इग्नोर करते थे, और आई थिंक आज के बाद से 2024 में तुम ये जितनी भी मिस्टेक्स है ना वो स्टॉप कर दोगे, और तुम्हारे बालों की क्वालिटी है वो काफी अच्छी रहने वाली 2024 में, और मेरे जो भाई है ना वो दिखने में काफी हैंडसम लगने वाले हैं, दैट्स ऑल। बहुत सारी बातें हो गई, हम बढ़ते हैं क्यों की तरफ। नंबर 1st जो हमारे पास कमेंट है वो है पंकज का, साहिल भाई कर्ली हेयर है तो परमानेंट सीधा कैसे करें। तो भाई पहली बात तो अगर तुम्हारे हेयर कर्ली है तो यार उसको तुम ना परमानेंटली कभी भी स्ट्रेट वगैरह नहीं कर सकते, परमानेंटली इन द सेंस कि यार सिर्फ वो 2-3 महीने तुम उसको होल्ड कर सकते हो, उससे ज्यादा तुम नहीं कर पाओगे। एक्चुअली जस्ट उसको परमानेंटली स्ट्रेट करने के लिए तुम्हें यहाँ पर करवानी होती हेयर स्ट्रेटनिंग, और हेयर स्ट्रेटनिंग ना परमानेंटली नहीं होती, मतलब जब तुम बुढ़े हो जाओगे तब भी ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट वो तब तक रहते हैं जब तक नीचे से जो नए बाल हैं वो ग्रोथ नहीं करते। तुम अगर अपने कर्ली हेयर से परेशान हो तो तुम हेयर स्ट्रेटनिंग वगैरह करवा सकते हो, सिर्फ 2-3 महीने तक वो रहेंगे, उसके बाद से वापस वैसे हो जाएंगे। नेक्स्ट जो कमेंट हमारे पास है वो है सर जो मन्ना का, ब्रो मैं काला हूँ लड़कियां नहीं पट रही हैं, काले गोरे से फर्क नहीं पड़ता, कई बार ना गोरे लड़कों से भी जो लड़कियां ना वो नहीं पटती हैं, तो ये चीज मत लेके चलो भाई मैं काला हूँ तो लड़कियां नहीं पट रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप पे काम करो, अपने आप पे ध्यान दो, अपने करियर पे फोकस करो, भाई लड़कियां तो यूं आएंगी तुम्हारे पास, और मतलब ये थिंकिंग लेके मत चलो कि भाई मैं काला हूँ तो लड़कियां नहीं पटेगी। तुमने कई बार ऐसा भी देखा होगा भाई जितने भी जो काले लड़के होते हैं ना वो इनफैक्ट जो गोरे बंदे होते हैं ना उनसे भी काफी अच्छी लड़की लेके घूमते हैं वो, और जितने भी गोरे हैं ना भाई वो जलते रहते हैं साला इसमें बात किया आखिर की इतनी अच्छी लड़की लेके घूम रहा है, डिजर्व कैसे करता है ये, जस्ट हार्ड वर्किंग और भाई पैसे पे डिपेंड करता है, अगर तुम फाइनेंशियल सिक्योर तो भाई लड़कियां तुम्हारे पास आएगी नो मैटर तुम्हारा कलर कैसा है। नंबर 3rd जो हमारे पास कमेंट है वो है ओनली शॉर्ट्स का, विदाउट मनी यू कैन नॉट लुक हैंडसम। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है यार, आजकल ना बहुत से लोग ये लगता है भाई अगर हमारे पास पैसा होगा ना तभी हम काफी हैंडसम दिख पाएंगे, तभी हम स्टैंड आउट कर पाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम्हें सिर्फ मैनेजमेंट आता है ना, तुम्हें अपनी ड्रेसिंग सेंस आती है, अगर तुम अपने ग्रूमिंग हाइजीन पे ध्यान देते हो तो भाई तुम काफी हैंडसम लगने वाले हो। और इंडिया में बहुत सारे बंदे एग्जाम्पल है जिनके पास ना पैसा बहुत है, मतलब उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ना सिर्फ वो एक टी शर्ट में रहते हैं और वो टी शर्ट में ना काफी मचाते हैं, मतलब काफी अच्छे दिख रहे होते हैं, काफी हैंडसम दिख रहे होते हैं। जैसे वो सिर्फ एक टी शर्ट पहन लेंगे और उसके बाद ना अपनी हाइजीन पे ध्यान देते हैं, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देते हैं, अपने ओवरऑल बॉडी पे ध्यान देते हैं, जस्ट इससे भी तुम काफी हैंडसम लगने वाले हो। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भाई तुम हैंडसम नहीं लग पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे इनफैक्ट कुछ ऐसे फ्रेंड भी है जिनके पास पैसा नहीं है, भिखारी है साले, लेकिन फिर भाई जब वो ऐसे सिर्फ एक नॉर्मल टी शर्ट पहन लेते ना तब भी वो इतने ज्यादा हैंडसम लगते हैं कि भाई मतलब लड़कियां मरती है उनके ऊपर। तो ये थिंकिंग लेके मत चलो कि भाई अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम हैंडसम नहीं दिख पाओगे। और प्लस कौन सा तुम्हारा गरीब फ्रेंड है जिसके पास बिना पैसे होते हुए भी ना वो काफी हैंडसम लगता है, उसको एक बार नाम जरूर लिख देना।
नंबर फोर हमारे पास कमेंट है वो है लायनेक्स गौरव वाईटी का। साहिल भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हिलाने से हमारे फेस को नुकसान पहुंचता है? भाई देखो अगर किसी भी चीज को तुम एक्सेस करते हो ना, मतलब बहुत ज्यादा करते हो एक दिन में 3 से 4 बार, तो भाई तुम्हारे फेस पे ना इससे सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचेगा, तुम्हारे फेस की ना बेल्ट बच जाएगी ढंग से, मतलब तुम्हारा फेस देखने लायक नहीं रहेगा, तुम कुपोषण का शिकार लोगे ओवरऑल बॉडी से और तुम्हारे पिंपल्स वगैरह काफी बढ़ जाएंगे। तो मतलब एक्सेस करोगे तो भाई प्रॉब्लम आती है सिर्फ फेस पे ही नहीं, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी पे आती है। और बस इसको कंट्रोल कर लो, नॉर्मल कर दो, वीक में सिर्फ एक से दो बार कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और बाकी बस पानी दबा के पियो, दिन में 3 से 4 लीटर वाटर पियो, उससे कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली। लेकिन अगर तुम एक दिन में 3 से 4 बार करते हो तो भाई तुम्हें जन्नत नसीब होगी। नंबर 5th एंड लास्ट हमारे पास वो है सौविक व्लॉग्स का। भाई आपकी वजह से मैं बहुत ही स्मार्ट बन गया हूँ यार, पहले मैं लड़कियों को प्रपोज करता था बट अब लड़कियां मुझे प्रपोज करती है और मैं बोलता हूँ निकल भोसड़ी, और आपकी वजह से बहुत ऊपर आ गया हूँ, थैंक्स ब्रो। भाई पहली बात तो ये काफ़ी खुशी की बात है कि मतलब अब लड़कियां तुम्हें प्रपोज करती हैं, लेकिन भाई ये खुशी की बात बिल्कुल भी नहीं है कि तुम उनको गाली देके मतलब ऐसे आउट करते हो। लड़की अगर तुम्हारे पास कोई फीलिंग्स लेके आ रही है उसकी रिस्पेक्ट करो, हर लड़की की रिस्पेक्ट करो। भले तुम उससे प्यार नहीं करना चाहते, तुम उससे साथ भले तुम उससे प्यार नहीं करना चाहते, तुम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, लेकिन भाई तुम हर लड़की की रिस्पेक्ट करो, उसको रिस्पेक्ट से मना करो ताकि लड़की को बुरा भी ना लगे। गाली अगर मत दिया करो, बाकी सब तो सही है, और अपने आप पे काम करते जाओ, मेहनत करो, ग्रोथ करो, आगे बढ़ो, दैट्स ऑल। और हाँ, ये 2024 की पहली वीडियो थी, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। इस 2024 में सारे बंदे सक्सेस करो और बहुत अच्छा अच्छा काम करो, फालतू काम मत करना कोई भी, आगे बढ़ो, मेहनत करो, दैट्स ऑल। आई होप वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो पहली बार देख लो, चैनल सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है उस पर टैप करना, जल्दी जल्दी आगे मेरे चैनल फॉलो करना, बहुत से बकचोदी करते, काफी मजा आता है। हम लेंगे एक्साइटमेंट में, तब तक के लिए बाय।